हेलो दोस्तों, आज मैं ओजिस अग्रवाल फिर से आया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। अब आप सोच होंगे मैं इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं अब आपको बताऊँगा कि फेसबुक अकाउंट कैसे डीएक्टिवेट करते हैं। मैं आपको फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट करना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत दोस्त लोग हैं और कलीग्स हैं जिन लोगों ने मुझसे पूछा बार बार कि है ना, आपको पता है क्या कि फेसबुक अकाउंट कैसे डीएक्टिवेट करते हैं। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मुझे भी फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट करना नहीं आता था, पर जब मैंने अपने दोस्त से पूछा तब मुझे पता चला कि फेसबुक अकाउंट कैसे डीएक्टिवेट करते हैं। अब आते हैं काम की बात पे। अब देखिए, सबसे पहले आपको अपना फेसबुक लॉन्च करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं जाता हूँ फेसबुक पे। उसके बाद आप देख सकते होंगे कि जैसे ही आप अपना फेसबुक अकाउंट चालू करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। फिर आपको ये एक्सट्रीम लास्ट पॉइंट पे जो थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और उसमें देखना अकाउंट सेटिंग्स में। फिर आपको जाना है सिक्योरिटी में। देखिए, जियो की स्पीड बहुत स्लो है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो डाल चुकी है, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करें और अप्लाई करें। हाँ, अब ये देखिए, यहाँ पे एकदम लास्ट पे डीएक्टिवेट लिखा आ रहा है, उसके ऊपर आप टैप करें बस एक छोटा सा। जब आप ऐसा करेंगे फिर ये बहुत सारे रीजंस पूछेगा कि है ना, आप अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों कर रहे हैं। तो आप इसमें से भी जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब जो भी आपको सूटेबल लगे वो रीज़न आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप इसमें लिख ली आप इसमें सिलेक्ट मैं इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ आई हैव अ प्राइवेसी कंसर्न। फिर आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। इसके बाद आप ये पढ़ लीजिए, यू कैन रीएक्टिवेट योर अकाउंट एट एनी टाइम बाय लॉगिंग इन विथ योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। इसका मतलब आप अगर किसी भी और मोबाइल से या किसी भी जगह से या किसी भी ज़रिए से आप फिर से अपना अकाउंट साइन इन करते हैं तो फिर से एक्टिव हो जाएगा। फिर आपको अभी कुछ नहीं करना है, बस एक डीएक्टिवेट पर क्लिक करना है। और आप देखिए, ये डीएक्टिवेट हो चुका है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है। अब आप अपने दोस्तों से पूछेंगे या फिर अपने मतलब कलीग से पूछेंगे कि एक बार मेरी फेसबुक आईडी खोल के दिखा, तो फिर वो यही बोलेगा कि अब तो तुम्हारा नाम या सिंबल वगैरह नहीं आ रहा है। बस जो मैसेज आपने मतलब किए होंगे उस फ्रेंड को या किसी को भी वो ही दिखाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।